हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम रिव्यू करेंगे लैक्टोज फ्री मिल्क का, और मैंने अमूल ब्रांड का लिया है। ये टेट्रा पैक है 200 ml का, और इसका प्राइस है 25 rupees, मीन्स 1 liter 125 rupees। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू नॉर्मल मिल्क। तो जो ये लैक्टोज फ्री मिल्क है, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लैक्टोज होता क्या है। लैक्टोज एक तरह का शुगर कंटेंट होता है जो मिल्क में होता है। जो मिल्क में जो स्वीटनेस होती है हल्की सी, वो लैक्टोज के कारण होती है। मिनिमम 10% लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं। इट मींस जो शुगर कंटेंट होता है मिल्क में, वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उसका रीज़न ये है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो जो एक एंजाइम रिलीज करती है जो लैक्टोज डाइजेस्ट कर सके, वो नहीं रिलीज होता है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, उनमें काफ़ी सारे उनको प्रॉब्लम्स होते हैं। स्टमक अपसेट रहता है, ब्लोटिंग होती है, डायरिया होता है। तो वो नॉर्मली मिल्क या मिल्क से बनी चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट अवॉइड करते हैं यूज़ करना। तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि लैक्टोज फ्री मिल्क वो कंज्यूम कर सकते हैं। जो मिल्क एलर्जी है, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है कि वो कितनी सीवियर हो सकती है। तो वी कैन रिप्लेस मिल्क विद लैक्टोज फ्री मिल्क। तो अब हम इसे ओपन करके देखेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है, और जो हम नॉर्मल मिल्क कंज्यूम करते हैं और इस मिल्क में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें इसकी थिकनेस एंड कंसिस्टेंसी की, तो ये इतना ही थिक है जितना हम नॉर्मल मिल्क कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही है। इतना कुछ मुझे वाटरी नहीं लग रहा है ये। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। इसे आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, जस्ट पोर एंड ड्रिंक। इसे बॉयल करना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं इसकी स्मेल की बात करूँ, तो थोड़ा सा जो मिल्क पाउडर का टेस्ट आता है, वैसे इसकी स्मेल आ रही है। नॉर्मली जो दूध में स्मेल आती है, जो मिल्क में स्मेल आती है, इसकी वैसा स्मेल तो इसमें नहीं आ रही है। अगर मैं इसकी टेस्ट की बात करूँ, तो जी हाँ, इसका टेस्ट नॉर्मल मिल्क से थोड़ा सा डिफरेंट है, बट इतना भी बुरा नहीं है कि हम इसे कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। हम इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। इसमें हल्की सी स्वीटनेस है, बट इट इज़ नॉट लैक्टोज स्वीटनेस। मे बी इसमें कुछ सब्स्टिट्यूट यूज़ किया है, जिसके कारण जो मिल्क की स्वीटनेस है वो बनी रहे। तो मुझे कोई इतना इसका टेस्ट बुरा नहीं लगा, अच्छा टेस्ट है। आई होप आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको एलर्जी है, ब्लॉटिंग इशू है, अगर आपको एसिडिटी होती है दूध पीने के बाद, अगर आपको गैस का इशू होता है, तो आप इजीली नॉर्मल मिल्क से लैक्टोज फ्री मिल्क पे स्विच कर सकते हैं। इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपने कभी टेस्ट किया है, तो अपने रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।